स्क्रीन। सर तो आप तो भाई यहाँ इक्वेशन पे, थोड़ा समझा सकते हो? हाँ फिर से समझाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है इसमें दिक्कत क्या आने वाली है। क्रॉस प्रोडक्ट ही क्लियर नहीं होता है बस, बाकी तो सब कर ले जाओगे आप, पर वो विजुलाइज ही नहीं कर पाते क्रॉस प्रोडक्ट कर। मैंने पहले कहा था राइट हैंड को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो। तो यहाँ देखो भाई, हमारे पास में, ये तो मानते हो कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास में है ना। अब वी, यहाँ देखो वी कहाँ है, मैंने इसलिए मैंने वी ये पॉइंट को कहाँ लिया, मैंने यहाँ लिया इसलिए ताकि उससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ यहाँ ले लिया जैसे ये, ओके। और फिर मैं किधर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से दिखा रहा हूँ, अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो हमें ऐसा नजर आएगा ये फिगर, ये वाला फिगर नजर आएगा आपको, ये बात समझ में आपको। बेटा कुछ हाँ हाँ ना सर, बोलोगे तभी तो आगे हाँ बढ़ेंगे सर ना, समझा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा क्लियर हो गया अब आपको आगे का। तो अब यहाँ देखो ये वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर किधर है, देखो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं वी वेक्टर, क्योंकि ये वी वेक्टर किधर है, अलोंग दी जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। और हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो आप देख रहे हो कि बी और आर के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं मैं इसको फिर से समझाता हूँ, देखो अगर मैं इसको सर्कल को ऐसा बनाता हूँ मान लो, तो ये वेलोसिटी इधर जा रही है इसकी, और इसका ये आर वेक्टर है। अगर ये आर वेक्टर है तो दरअसल ये प्लेन कैसे बन रहे हैं, देखो ये प्लेन ऐसे बन रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिया, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, क्योंकि ये आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर इधर जा रहा है ना, देखो तो ये पूरा प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बन रहा है। तो उसको जब आप इधर से देख रहे हो ना, आपको ये वाली सिचुएशन मिल रही है, तो आपको बी कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आए ना, क्योंकि जो प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन इसमें यानी उस प्लेन में ये आर वेक्टर लाई कर रहा है, ये देखो ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो बनाया मैंने, ये रेक्टेंगुलर जो बनाया, ये विजुलाइज हाँ हुआ सर, है ना। तो बेटा ये समझ में आएगा तभी बात समझ में आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी इस टॉपिक में। तो ये ऐसा यानी बी इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि वी क्रॉस आर करोगे ना राइट हैंड थंब रूल से, स्मॉलर एंगल लेते हुए, तो स्मॉलर एंगल कितना वी आर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ, तभी तो मैंने वी आर लिख लिया वहां, क्योंकि वी क्रॉस आर को मैंने मैग्नीट्यूड में क्या ले लिया वी आर, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो इनके बीच में है यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है भाई सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, तो नहीं ये सर। हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नीट्यूड में ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ आर क्या लिखोगे अब आप, यहाँ इस केस में आर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, तो हमारे पास आंसर आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ सेंटर पे, तो एट सेंटर की बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बी सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह आंसर होगा, तो सेंटर पर यह मैग्नेटिक फील्ड होगा। ले रहे हैं यहाँ तक, और किसी एक्सिस पर, एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाएंगे तो ये होगा मैग्नीट्यूड में, और वेक्टर की बात करेंगे तो ये होगा, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से, कर लोगे? हाँ हाँ सर, तो ये तो आप पॉइंट चार्ज की वजह से, और मैं फिर से कहूंगा वेक्टर को अच्छे से समझ लेना भाई, और नहीं आया तो पूछ लिया करो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा मैं, क्योंकि एक बार समझ में आया और फिर आया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ानी पड़ेंगे बेटा इस चैप्टर में।
चैप्टर टफ नहीं है कहीं से भी, चैप्टर तो और भी आसान है, लेकिन ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट ये फंसा देता है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ सबसे पहले एक फाइनाइट वायर है, मान लो हमारे पास में है ना स्ट्रेट फाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसे हमने स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपको याद हो तो, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, L1 L2 हमने लेंथ माना था, है ना, याद आ रहा है। वैसे यहाँ भी केस बनता है, तो करते हैं। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास में ये वायर है, और यहाँ मैं इसका रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, इसमें जो करंट है लेकिन वो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाएंगे, ये मैंने डिस्टेंस ले लिया आर, और ये जो लेंथ है मैंने मान लिया L1 है, और ये जो लेंथ है मैंने मान लिया L2 है। तो ये हमारे पास में एक पी क्यू वायर मान लेते हैं, या ए बी वायर जो भी है ना, ये पी क्यू वायर है, हमें इसकी वजह से चाहिए इस पर, इस पॉइंट पर, जो कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर है, है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का सिग्निफिकेंस वही है जो वहां था, वहां हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वायर से। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने को चाहिए, तो हमें, हमने तो जो कॉन्सेप्ट सीखा वो तो स्मॉल एलिमेंट के लिए, चलो अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ, इसमें करंट हमने ले लिया कि आई करंट है, इसमें आई करंट जा रहा है। अच्छा, वहां क्या था, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमने इस पॉइंट पी पर निकालने के लिए उसको रिजोल्व किया था अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। देखते हैं यहाँ रिजोल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, और एक डी एक्स यानी डेल्टा एक्स उसकी जगह डी एक्स ले लेते हैं, है ना। वहाँ भी डेल्टा एल की जगह डी एल भी ले सकते थे आप, ये डेल्टा एक्स लिया, तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एक्स में करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी करंट किधर है इसका, करंट ऊपर की तरफ है ऐसे। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी मिड पॉइंट से देखेंगे, तो आप यहां देखो डेल्टा यानी डी एक्स इधर है और ये पॉइंट यहाँ है, यानी हमारे पास में ये आर वेक्टर हुआ ना, और ये डेल्टा एल वेक्टर उधर हुआ, ये एंगल देखेंगे ना हम लोग। तो आप देखो कि इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहाँ इस पॉइंट पर अंदर की तरफ हो रहा है, ये विजुलाइज हुआ वापस से, डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये बात समझ में आई। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। अच्छा, यहाँ अंदर की तरफ पे, तो और बाकी एलिमेंट का भी देख लो, बाकी केसों में से देखो, यहाँ ले लो आप इसका भी, देखो इसको मिलाओ किधर है, अंदर की तरफ ही है। यहाँ भी ले लो एलिमेंट, ये डीएल इधर है, ये आर वेक्टर इधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। इसका मतलब यहाँ रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट की वजह से क्या आ रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब सब ऐड हो जाएंगे, सीधा इंडिकेट कर देंगे। अब इस केस में हम लोग, मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है, ये मैंने मान लिया कि ये फाई एंगल है, मान लो अगर ये फाई एंगल है, तो यहाँ देखो डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल कितना हुआ, ये क्योंकि एंगल कितना है 90 माइनस फाई, तो ये एंगल हो गया 90 प्लस फाई, यानी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया ना। तो यहाँ जो बी मिलेगा वो बी क्या हो जाएगा, db इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एक्स डेल्टा एल की जगह, और साइन क्या लिखेंगे 90 प्लस फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा।
ये बात सुन रहे, इसका मतलब हमारे पास डी बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई डी एक्स, और ये क्या हो गया, सॉरी कॉस, हाँ कॉस फाइव हो जाएगा ना, कॉस फाइव डिवाइडेड बाई फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस फाइव को क्या लिखोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है यहाँ आर है, तो कॉस फाइव हो गया म्यू नॉट आई डी एक्स, कॉस फाइव हो जाएगा आर बाई तो फोर पाई, ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू, क्यों मिलेगा क्योंकि कॉस जाएगा आर बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पहले से एक्स प्लस आर स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। अब ये हमारे पास में बी आ गया, इसको इंडिकेट करेंगे माइनस एल टू टू एल वन, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर डी एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू। भाई ये विजुलाइज हुआ पहले तो, तब तो मैं आगे की बात करूं। बोलो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंडिकेट क्यों कर दिया, क्योंकि हर इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम सीधा इंडिकेट कर देंगे, रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। भाई समझ में आ गई बात सबको? हाँ सर, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब इसको इंडिकेट करेंगे, अब तो इंटीग्रेशन आने लग गया होगा आप लोगों को कि नहीं आता अभी भी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं x इक्वल टू आर एन फाइव, तो डी एक्स बाई डी अल्फा इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा, रखो लिमिट बाद में लगाएंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर बाई फोर पाई, ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, मैंने डी डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, और यहाँ नीचे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा टू पावर थ्री बाई टू, यहाँ से आर क्यूब बार मिलेगा और क्या मिलेगा सेक क्यूब मिल जाएगा, क्लियर है पॉइंट सबको, तो म्यू नॉट आई आर बाई फोर पाई आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाई आर क्यूब सेक क्यूब अल्फा, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया देखो, म्यू नॉट आई ऊपर क्या आर स्क्वायर है नीचे आर क्यूब है, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर ऊपर क्या हो गया कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर साइन अल्फा, और ये क्योंकि लिमिट है तो यहाँ जो कॉन्स्टेंट है उसको हटा भी सकते हो आप, वो तो वैसे भी कट जाएगा, तो साइन अल्फा यहाँ से निकालेंगे, ये अल्फा है ये एक्स है ये आर है ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर हो गया एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल बाई टू टू एल वन, लिमिट लगा दो, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर कितना हो जाएगा एल वन बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल वन का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्यों क्योंकि माइनस आएगा लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या लिखोगे माइनस एल टू लिखोगे, तो जाएगा एल टू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल टू का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सर क्या लिखना है वो बोलो, और ऊपर ना यहाँ से करो ना, लिख लो हो गया सर, हो गया ना ये भी,
ये भी लिख लो, मेरी वॉइस क्लियर है ना भाई? हाँ सर। हो गया सर, थोड़ा नीचे हो गया। हो गया ना? अब ये फॉर्मूला चाहो तो इसको याद कर लो, नहीं तो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो उसको तो याद करना ही है, ये याद रहे या ना रहे, लेकिन जो एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ उस फॉर्मूले को तो याद रखना है, ठीक है? जैसे पहले इसमें जरूर एक एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं कि इफ एल वन एल टू अगर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, मान लो If L1, L2 greater than अगर आ रहे तो mu not I by 4 pi R, यहां से आप देखो L1 को बाहर लो, 1 plus R square by L1 का whole square इसके power आप देखो इससे cancel out हो जाएगा, plus L2 by L2 को बाहर लेंगे, L2 square को बाहर लेंगे L2 मिलेगा अपने को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस R स्क्वायर बाई L2 का होल स्क्वायर टू पावर हाफ, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, या भी L2 से L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखो 1 प्लस 1 यानी ये क्या हो गया एक तरह से, तो म्यू नॉट आई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R, यानी हो गया इनफाइनाइट वायर। इसका मतलब तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है ना, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी ये हो गया हमारे पास में इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में ये हो जाएगा, है ना? तो पहले इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं मैं, तो ये हमारे पास में जो वायर है ये इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर हम लोग गए, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, मान लो यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे कैसा नजर आएगा ये, तो ये वायर हमारे पास में है ना, इसमें ऐसे करंट आ रहा है, किसी आर डिस्टेंस पर अगर आप जाओगे ना, जैसे मैं यहाँ से इस आर डिस्टेंस के लिए गया तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसे नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर नजर आ रहा है, ये बात समझ में आई? यानी अगर आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर जाए होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, अगर आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा क्योंकि आर डिस्टेंस पर ही है, जब आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे यानी इधर, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो टॉप से देख रहे हो तो इधर है ना, यानी कि यहाँ किधर होगा, आर डिस्टेंस पे यहाँ भी गए हम लोग, वहाँ बाहर की तरफ होगा, इधर अंदर की तरफ है, इस पॉइंट पे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सब मैग्नीट्यूड में क्या है यहाँ सेम है, इसका मतलब ये होगा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या कर रहा है, यहाँ क्लोज लूप तो बना ही रहा है, यानी कॉन्सेंट्रिक, इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, तो
अगर आप इस पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? इधर मिलेगा। आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? इधर मिलेगा। आप इस वाले पॉइंट पर जाओगे तो इधर मिलेगा। आप इसके इस पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? इधर मिलेगा। इसको इसकी क्वांटिटी क्या होगी? उसके कंपेरिजन में ज्यादा होगी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। क्या होंगे? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ये क्या है? लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही होंगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने अभी यहाँ ऊपर एक फाइनाइट वायर लिया है, ये जो लेंथ हमने क्या लिया वहां L1 लिया, ये जो लेंथ यहाँ L2 लिया, इस पॉइंट को इससे मिलाओ और इस पॉइंट को इससे मिलाओ। मैंने वहां भी कहा था कि कौन सा एंगल लेना है आपको, अल्फा ये लेना है और बीटा ये वाला एंगल, ये वाला ही याद रखना है, क्योंकि एक यहाँ θ1 भी होगा और θ2 भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है क्योंकि हम करंट इसमें इधर बन रहे हैं। तो यहाँ देखो आप, कॉस अल्फा क्या मिलेगा आपको? L1 by √L1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ, ये R है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R है, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। उसी तरह कॉस बीटा क्या हो जाएगा? L2 by √L2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह अगर आप साइन θ1 के ले जाओगे तो भी क्या मिलेगा? L1 by √L1 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और साइन θ2 के ले जाओगे तो क्या मिलेगा? L2 by √L2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? μ0I/4πR। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, और एक और फॉर्मूला हो गया B=μ0I/4πR sin θ1 + sin θ2। लेकिन याद ये रखना है, या कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाकी याद नहीं रखना, भूल जाओ। ऐसा कुछ हमने डेराइव भी किया था, कुछ हुआ भी था, लेकिन वहां ऊपर ये बताना जरूरी था मेरे लिए कि हम इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि L1 L2 जो लेंथ है, यानी जो वायर की जो लेंथ है, वो जो डिस्टेंस की हम बात करेंगे उसके कंपेरिजन में क्या है? काफी ज्यादा है। इसलिए वो वाला पार्ट मैंने बताया है, ये वाला, क्योंकि समझना चाहिए ना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी होगी। यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे वापस से मैं समझाता हूँ, जैसे इनफाइनाइट वायर का वापस से लेता हूँ, इनफाइनाइट वायर की अगर आप बात करोगे तो इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो देते हैं? तो मैंने वहां भी बताया था आपको, इसका मतलब ये देखो, ये वायर, ये जो पॉइंट है कहाँ जाके मिलेगा? इसे इन्फिनिटी पर, और ये भी कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर। इसका मतलब अल्फा क्या हो गया यहाँ? जीरो हो गया ना। अल्फा क्या हो रहा है यहाँ? जीरो हो जा रहा है। और बीटा क्या हो जा रहा है यहाँ? जीरो हो जा रहा है। और θ1 कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री हो जा रहा है। और θ2 क्या हो जा रहा है? ये भी 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। डिस्टेंस क्या है यहाँ? आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो कितना हो गया? B=μ0 अल्फा वाला है, याद रखो।
तो म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर कॉस जीरो कॉस जीरो कितना हो गया टू, यानी अल्टीमेटली आ गया म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, ये बी आ गया। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। अब जैसे सेमी इनफाइनाइट का भी समझ लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसमें दो केस लेंगे। पहला केस ये है, इसके जस्ट सामने ही है इस एंड के, ये तो इन्फिनिटी की तरफ है और इसके जस्ट सामने ही है, ये एंगल 90 डिग्री लेना है ना, ये तो हो गया इसका आर, इसमें करंट इधर जा रहा है। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ ही होगा। कितना आ जाएगा अब यहाँ, क्योंकि इस केस में देखो अल्फा कितना है 90 डिग्री और बीटा कितना मिलेगा आपको यहाँ जीरो मिलेगा, तुम्हारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर कॉस 90 कॉस जीरो। cos 90 प्लस cos 0 तो ये आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा केस ये ले लेता हूं मैं, मान लो ये वायर तो है यहाँ, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है पॉइंट, लेकिन यहाँ कहीं है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे की तरफ एक्सपेंड करेंगे, एक्सटेंड कर दिया और ये हमारे पास में आर ये वाला लेना है। मान लो अगर ये कहता है कि डिस्टेंस ये हमने लिया एक्स है ना, और ये एंगल मैंने मान लिया कि अल्फा है, लेकिन ये मान लो 120 डिग्री एंगल है, तो आर तो ये वाला लेना है, ध्यान रखना है। तो बी यहाँ भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ये बात सुन मारी, अंदर ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ वापस से देखो आप, ये जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये डेल्टा एल मान लो ये है हमारा, और यहां से देखो ये r वेक्टर ये हुआ, जिसका r वेक्टर इधर हुआ ना, तो डेल्टा l क्रॉस r अंदर ही तो हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या होगा, अंदर होगा। तो यहाँ ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो r कितना हो जाएगा हमारे पास में, r by x इक्वल टू साइन 60, तो r की वैल्यू मिल गई मुझे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बीटा क्या होगा, बीटा तो जीरो है, अल्फा क्या है 120 है, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर कॉस 120 प्लस कॉस जीरो, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ये कितना हो जाएगा साइन 60, अच्छा इंटू एक्स है ना, मैंने आर की वैल्यू रख दी है, और ये क्या मिलेगा माइनस 1/2 + 1, यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिल गया म्यू नॉट आई बाई फोर पाई एक्स, और ये रूट 3/2 इंटू 1/2, तो अल्टीमेटली बी की वैल्यू क्या मिली म्यू नॉट आई बाई फोर पाई एक्स रूट 3, ये आंसर है। भाई बात समझ में आई, तो आगे चलें। कहाँ से लिखना था आप लोगों को, ये लिख लिया था और ऊपर से लिखना था क्या, यहाँ से
क्लियर सर? नीचे का मेरी आवाज नहीं आ रही सर? नीचे का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ भी क्या होगा, इधर अंदर की तरफ होगा। सर थोड़ा और नीचे का सर हो गया लिख लिया। तो ये है हमारे पास में। अच्छा एक बात और याद रखिए, यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लो जैसे कि ये हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां से इस एंड से मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट पी है और ये इधर इन्फिनिटी पर है, तो क्या होगा? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। कैसे? बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्या लिखवाया था मैंने, आई मतलब म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? डेल्टा एल और आर के बीच का एंगल है, यहाँ एंगल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो बी भी क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा केस मान लो ये जैसे ये स्मॉल एलिमेंट लिया, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका भी इसी लाइन के लोग, तो बी क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। भाई बात समझ में आई सबको? हाँ सर है ना, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ थीटा क्या हो जा रहा है, जीरो डिग्री हो जा रहा है, यहाँ भी थीटा क्या हो जा रहा है, जीरो डिग्री हो जा रहा है। ऐसे थोड़ी सुने उन्होंने फॉर्मूला बनाया यार, काफी सोच समझ के बनाया है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये करिए आप लोग कि एक वायर इधर इन्फिनिटी से आ रहा है और ये वायर इधर जा रहा है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, यानी ये इधर इन्फिनिटी पे जा रहा है और इधर आ कहां से रहा था, इन्फिनिटी से। एक पॉइंट है यहाँ पी पॉइंट, जिसकी यहां से डिस्टेंस है एक्स, आपको यहां बताना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस वायर की वजह से। यानी हमारे पास में ये ए बी सी, फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ए बी सी। बताओ
ये ध्यान रखना है, लेकिन ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। करो इस क्वेश्चन, हो गया देखो कैसे करेंगे। ये जो ए बी वायर है इसकी वजह से तो जीरो हो गया है ना। हाँ सर, यानी बी ए बी तो जीरो हो जाएगा। अब बचा बी सी, तो बी सी कैसे करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। ये एंगल कितना 30, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखेंगे ना, यानी ये आर हुआ, तो आप देख रहे हो कि आर क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 30 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये एक्स है ना, तो एक्स साइन 30। अब इस पॉइंट को देखो, हम लोग उससे मिलाते हैं, तो ये एंगल कितना लोगे आप यहाँ, 150 डिग्री हुआ ना, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बीटा, जीरो हो गया। तो ये हमारे पास में बी सी, ये ए बी और ये सी, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है उधर से, तो अब इसका क्या हो जाएगा बी सी की वजह से। तो आप देखो यहाँ डेल्टा एल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर इसका किधर मिलेगा अपने को, आर वेक्टर उधर है, कोई भी डेल्टा एल वेक्टर ले लो, ये डेल्टा एल मैंने लिया मान लो यहाँ इसका, तो ये आर वेक्टर इसका इधर हुआ ना, तो इसका किधर मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड, किधर साइड में कौन बताएगा, डेल्टा एल इधर है और आर वेक्टर उधर है, तो अंदर की साइड हुआ ना यहाँ भी। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों है। हाँ सर। और वो बी सी कितना आ गया, वो आ गया म्यू नॉट आई बाई 4πr cos 150 प्लस cos 0, यानी यही नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया P पॉइंट पर, क्यों बी ए बी प्लस बी बी सी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में म्यू नॉट आई बाई 4π, कितना हो जाएगा x बाई 2, ये माइनस रूट 3/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट आंसर आ गया म्यू नॉट आई 4π x रूट 3 2 माइनस रूट 3 टेस्ला, ये आंसर आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको। हाँ सर। अब कोई दिक्कत नहीं ना, कर सकते हो ना। चलो इसका अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा होमवर्क। चलो आज इतना ही करेंगे फिर। ओके।
कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, बता दूंगा मैं। क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तो आएगा हर साल आता है, ठीक है। इस बार भी थे क्वेश्चन, ज्यादा नहीं थे बस, पढ़ाना तो है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।